नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास एक रेडमी का मोबाइल है MI Note 5 और इसमें हम आज आपको बताएंगे किस प्रकार से हम नंबर को ब्लैकलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ऐड नंबर को किस प्रकार से ब्लैकलिस्ट में से रिमूव करें। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ऐड करना बताते हैं। हमने ये हमारा मोबाइल को ऑन किया और देखिए हमें कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, तो हमें कॉन्टैक्ट में जाएंगे हम। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। जो भी नंबर हमें ऐड करना है हम उसके ऊपर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमारी तीन लाइन आती है यहाँ पर, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा ब्लॉक और ओके, ये नंबर हमारा ब्लैकलिस्ट में चला गया। हम एक नंबर और ऐड करके आपको चेक कराते हैं। ये देखिए हमने ये नंबर ऐड किया, तीन लाइन में गए, ब्लॉक और ओके, ये देखिए हमने ये नंबर ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिया। अब हमें उन नंबर को ब्लैकलिस्ट से किस प्रकार से हटाएं, तो देखिए दोस्तों हमारे MI मोबाइल के अंदर एक सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन आता है, ये देखिए सिक्योरिटी, हम इसके अंदर जाएंगे, ये परसेंटेज हमारी चलेगी स्कैनिंग की, हमें ऊपर आना है थोड़ा और ये देखिए ब्लैकलिस्ट करके हमारा आएगा, ब्लॉकलिस्ट करके हमें इसमें जाना है। ये देखिए कॉल के अंदर हमें जाना है, हम कॉल में चले गए और ये देखिए हमारे जो नंबर हमने ब्लैकलिस्ट में डाले थे हमारे ब्लैकलिस्ट में नंबर है। हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, जो भी नंबर हमें डिलीट करना है हमने लॉन्ग प्रेस किया, डिलीट डिलीट, जिसको हमें डिलीट करना है डिलीट डिलीट, हमने लॉन्ग प्रेस किया डिलीट डिलीट, फिर हमने लॉन्ग प्रेस किया डिलीट डिलीट, फिर लॉन्ग प्रेस किया डिलीट डिलीट। ये देखिए हमने सारे नंबर हमारे ब्लैकलिस्ट से रिमूव कर दिए। अब हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा मॉडल हमारा। हम सेटिंग में गए, अबाउट फ़ोन में गए और ये देखिए हमारा मॉडल है रेडमी नोट 5। ये देखिए दोस्तों हमारा मॉडल है रेडमी नोट 5। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे रेडमी नोट 5 में ब्लैकलिस्ट नंबर ऐड करना और रिमूव करना सीखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें।